जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस सिटी फाइव इंडिया। मैं कपिल गौतम प्रेम। मायावती जी की पार्टी बसपा के आक्रामक तेवरों के कारण झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई हैं। राजस्थान में बसपा को झटका देने के बाद कांग्रेस को डर है कि बसपा इन राज्यों में पूरी ताकत झोंकेगी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का यह पहला इम्तिहान है। ऐसे में पार्टी के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। पार्टी इन राज्यों में सभी को साथ लेकर चलने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग इस सप्ताह के अंत में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर देगा। झारखंड के चुनाव नवंबर के आखिरी में होने की संभावना है। हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। पार्टी ने अशोक तंवर की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर दलित मतदाताओं को संकेत देने की कोशिश की है, पर बसपा का सभी सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान गणित बिगाड़ सकता है। हरियाणा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव में दलित मतदाता हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। झारखंड में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 10% है। चुनाव में दलित मतदाताओं की भूमिका अहम है क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर जीत दर्ज किए बगैर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचा जा सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अधिकतर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, अब स्थिति बदली हुई है और विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे, जबकि शायद ऐसा नहीं है। हरियाणा में बसपा का वोट कम ज़्यादा हुआ है। बसपा का हरियाणा में जो वोट प्रतिशत है वो कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन चुनाव में वह कांग्रेस के खिलाफ पूरी ताकत झोंकेगी। सभी सीट पर बसपा के उम्मीदवार उतारने से भाजपा जो विरोधी हैं वो बढ़ सकते हैं। 3 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को 3.6% वोट मिले थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 4.6% वोट मिले थे। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में 4.5% वोट मिले थे, लेकिन फिलहाल जो राजस्थान में हुआ वो सारी स्थिति देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती जी एक्शन में हैं और इन जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं पूरी ताकत तैयारी के साथ बसपा प्रमुख ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पूरी तैयारी के साथ इन राज्यों में वह चुनाव लड़ेगी। देखते रहिए वॉइस 85 इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करें। जय भीम। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुँचती रहे।